कल पूरे दिन मौसम खराब था, आसमान पे बादल था और शाम से बारिश चालू हुआ है तो अभी तक बंद नहीं हुआ है। पूरे रात और पूरे दिन आज बारिश हुई है, शाम होने को अभी तक बारिश हो रहा है और बारिश की वजह से मौसम काफ़ी ठंडा है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आंवले का मुरब्बा। यहाँ 1 केजी हमने आंवला लिया था, उसे अच्छी तरह से मैंने कद्दूकस करके ले लिया है धोकर। और यहाँ 1 चम्मच खाने वाला मैं सोडा डालूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसे पानी में भिगोकर 2-3 घंटे के लिए हम रख देंगे। इसमें से कसाव अच्छी तरह से निकल जाए, इसमें कसाव ज़्यादा होता है। यहाँ हमने पानी डाल दिया है और इसे मैं अब 2-3 घंटे के लिए इसे रख दूँगी इसका कसाव निकलने के लिए। यहाँ देखिए 2 घंटा हो चुका है, अब मैं इसे अच्छी तरह से धो लूँगी और धोकर अच्छी तरह से इसमें से पानी मैं निकाल लूँगी हाथों से निचोड़ कर। यहाँ हमने निकाल लिया है, देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसमें का पानी निकाल चुकी हूँ। यहाँ हमने गैस पर कढ़ाई बैठा दिया है, अब मैं इसमें आंवला डालूँगी। 1 केजी आंवले में मैं यहाँ डालूँगी 750 चीनी। आंवले में चीनी थोड़ा ज़्यादा लगता है, आप अपने अनुसार डालें, आप अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे आंवले में थोड़ा ज़्यादा ही चीनी लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी गलने तक हम इसे पकाएंगे। जब तक चीनी गल रहा है तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। इस सर्दी खांसी जुकाम के लिए तो फ़ायदेमंद होता ही है, हमारे बाल और स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारे बाल और स्किन में चमक लाता है। देखिए यहाँ चीनी गल रहा है और आंवला अपना पानी खुद ही रिलीज कर रहा है। और यहाँ मैंने एक अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे मैं अच्छी तरह से इसे भी घिस लूँगी और इसमें डालूँगी। आप चाहे तो अदरक के जगह इलायची भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ आंवला अपना पानी रिलीज किया हुआ है, इसे सूखने तक, पानी सूखने तक मैं इसे पकाऊँगी। तो खांसी सर्दी में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, सर्दियों के दिनों में तो एक बार ज़रूर बनाकर खाना चाहिए। बहुत ही इसका चटनी या अचार या मुरब्बा कुछ भी, इसका आंवले का बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। कुछ भी बनाकर इसे खाएं, बहुत ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। यहाँ देखिए हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, सारे पानी इसमें का ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे एक थाली में निकाल दूँगी ठंडा होने के लिए। यहाँ हमने निकाल दिया है, अच्छी तरह से ठंडा भी हो चुका है। अब मैं इसका लड्डू बनाऊँगी, देखिए यहाँ। और यहाँ मैं नारियल का बुरादा भी, इसमें मैं नारियल के बुरादे में डिप करूँगी और रख दूँगी। इसे देखने में खूबसूरत, अच्छा भी दिखने में लगता है। आप इसे सालों रख कर खा सकते हैं, सुबह शाम आप खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा आंवले का मुरब्बा का रेसिपी पसंद आई होगी। आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़, आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तब तक के लिए अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।